जय हिंद अगर कोई हमें डेसिमल नंबर सिस्टम दिया है उसको हमें किसी अनदर रेडिक्स में कन्वर्ट करना है तो जो डेसिमल का इंटीजर पार्ट होगा उसको हम रिपीटली रेडिक्स आर जिस रेडिक्स में डेसिमल को कन्वर्ट करना है रिपीटली उससे डिवाइड करते रहेंगे जब तक क्वेश्चन जीरो नहीं आता और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको हम रिपीटली रेडिक्स आर से मल्टीप्लाई करते रहेंगे दिस इज़ ए डेसिमल नंबर यहाँ पर बेस टेन है जो दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड है इट इज इंटीजर पार्ट और जो डेसिमल के राइट हैंड साइड है इट इज ए फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर पार्ट को हम जिस रेडिक्स में कन्वर्ट करना है उससे लगातार डिवाइड करेंगे और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको लगातार मल्टीप्लाई करेंगे टू कन्वर्ट डेसीमल टू एनी बेस आर डिटीजर पार्ट विद बेस आर

जब भी हम डेसिमल को बाइंड्री में कन्वर्ट करेंगे जो इंटीजर पार्ट होगा उसको हम रिपीटेडली रेडिक्स टू से डिवाइड करेंगे तो ट्वेंटी फाइव को टू से डिवाइड करेंगे क्वेश्चन इज ट्वेल्व रिमेंडर इज वन अगेन ट्वेल्व को टू से डिवाइड करेंगे टू सिक्स क्वेश्चन इज सिक्स रिमाइंडर इज जीरो अगेन सिक्स को टू से डिवाइड करेंगे टू थ्री जा सिक्स क्वेश्चन थ्री रिमाइंडर जीरो अगेन थ्री को टू से डिवाइड करेंगे टू वन जा टू क्वेश्चन इज वन अगेन इज वन को टू से डिवाइड करेंगे क्लास यहां पर वन टू से छोटा है जो डिविडेंट है वो डिवाइजर से छोटा है तो इस केस में क्वेश्चन जीरो लिखना है और रिमाइंडर वन ये कैसे होगा वन को जैसे ही टू से डिवाइड करेंगे वन दो से छोटा है तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन जीरो लिखेंगे टू इंटू जीरो जीरो वन माइनस जीरो वन वन यहां पर लिखा मैंने एज ए रिमाइंडर और ये जीरो है एज ए क्वेश्चन जैसे ही क्वेश्चन जीरो आएगा स्टेप रोक देना है अब हम जो आंसर लिखेंगे वो नीचे से ऊपर लिखेंगे पहले वन वन जीरो जीरो वन तो दिस इज ए बाइनरी इक्विवेलेंट कोरस्पोंडिंग टू डेसिमल नंबर ट्वेंटी फाइव बी है ऑलरेडी पता है जब भी हम किसी डेसिमल नंबर को किसी भी रेडिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो उस डेसिमल को हम लगातार जिस रेडिक्स में कन्वर्ट करना होता है उससे डिवाइड करेंगे तो यहां पर 144 है 144 लिखेंगे इसको डिवाइड करेंगे टू से क्वेश्चन आएगा 72, टू रिमाइंडर आएगा जीरो अगेन टू से डिवाइड करेंगे क्वेश्चन आएगा 36, सिक्स रिमाइंडर जीरो या आप इस तरह भी याद रख सकते हो जैसे टू से डिवाइड करोगे यहाँ पर आपको हाफ करना है वन फोर्टी फोर का हाफ सेवेंटी टू सेवेंटी टू का हाफ थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स का हाफ एटीन इस तरह भी याद रख सकते हो बस आपको ये याद रखना है यहाँ पर फ्रैक्शनल में क्वेश्चन नहीं लिखना है जैसे अगेन थर्टी सिक्स को टू से डिवाइड करेंगे हाफ क्या होगा वन एट तो क्वेश्चन होगा वन एट रिमाइंडर अगेन जीरो 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 18 का हाफ करो 9 क्वेश्चन नाइन रिमाइंडर जीरो अगेन नाइन को टू से डिवाइड करेंगे क्वेश्चन आएगा फोर जैसे ही नाइन को टू से डिवाइड करेंगे क्वेश्चन आएगा फोर नाइन का हाफ लेंगे तो फोर पॉइंट फाइव आएगा हमें डेफ्रेक्शन में नहीं लेना है डायरेक्ट हमें फोर लिखना है तो क्वेश्चन इज फोर रिमाइंडर इज वन फोर को अगेन टू से डिवाइड करेंगे क्वेश्चन इज टू रिमाइंडर इज जीरो टू को अगेन टू से डिवाइड करेंगे क्वेश्चन इज वन रिमाइंडर इज जीरो अब इस वन को टू से डिवाइड करेंगे वन टू से छोटा है डिविडेंट डिवाइजर से छोटा है क्वेश्चन जीरो आएगा और रिमाइंडर जो ये वन है यही आएगा क्लास अब हम आंसर कैसे लिखेंगे बॉटम से टॉप हम आंसर लिखेंगे आंसर होगा वन जीरो 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 इंटीजर पार्ट सेकंड वन है फ्रैक्शनल पार्ट हमें डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है हमें ऑलरेडी पता है जो इंटीजर पार्ट होगा उसको टू से डिवाइड करेंगे जिस बेस में हमें कन्वर्ट करना है टू नाइनजा एटीन नाइन यहां पर क्वेश्चन आएगा रिमाइंडर इज वन अगेन नाइन को टू से डिवाइड करेंगे क्वेश्चन इज फोर रिमाइंडर इज वन फोर को टू से डिवाइड करेंगे टू टूजा फोर क्वेश्चन इज टू रिमाइंडर इज जीरो अगेन टू को टू से डिवाइड करेंगे क्वेश्चन इज वन रिमाइंडर इज जीरो अब क्लास अगेन इज वन को टू से डिवाइड करेंगे डिविडेंट डिवाइजर से छोटा है तो डायरेक्ट क्वेश्चन जीरो लिखना है रिमाइंडर इज ये जो है यही रिमाइंडर आएगा ये कैसे हुआ होगा वन को टू से डिवाइड किया होगा वन टू से छोटा है क्वेश्चन जीरो लिया टू इंटू जीरो जीरो वन माइनस जीरो वन वन इज रिमाइंडर जीरो इज क्वेश्चन आंसर हम लिखेंगे बॉटम से टॉप तो इंटीजर पार्ट का आंसर आएगा वन जीरो जीरो वन वन दशमलव तो अब हम फ्रैक्शनल पार्ट को सोल्व करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे जिस रेडिक्स में हमें डेसिमल को कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल को में कन्वर्ट करना है तो टू से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे टू से हम मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा पॉइंट टू फाइव जीरो अब क्लास ये जो दशमलव है दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड में जो डिजिट होगी उसको हम नोट करेंगे बाई डिफॉल्ट यहाँ पर हम जीरो लेंगे तो ये जीरो लिखा अब पॉइंट टू फाइव मैंने यहां पर लिखा अगेन टू से मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई करके आएगा पॉइंट फाइव जीरो अगेन दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है वाइट डिफॉल्ट हम जीरो लिख सकते हैं ये मैंने जीरो लिखा अब यहां पर लिखा मैंने पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव को टू से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा वन पॉइंट जीरो क्लास जैसे ही दशमलव के राइट हैंड साइड में जीरो बना स्टेप रोक देना है और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में वन है इसको यहां पर लिखना है अगेन आई एम रिपीटिंग जैसे ही इस डेसिमल के राइट हैंड साइड में जीरो मिला स्टेप रोक देना है अगर क्लास इसको मैं आगे प्रोसेस को सॉल्व करता हूं कोई चेंज नहीं आएगा 0.0 फिर 2 से मल्टीप्लाई किया अगेन आएगा जीरो इसको मैंने लिख दिया 0.0 जीरो जीरो। लिख सकता हूं फिर पॉइंट जीरो यहां लिखा फिर टू से मल्टीप्लाई किया फिर जीरो रहेगा इस तरह आगे करते रहेंगे हमेशा जीरो ही रहेगा इसीलिए जैसे ही दशमलव के राइट हैंड साइड में जीरो मिला आपको स्टेप देना है।, अब कैसे लिखना है यहां पर हमने आंसर लिखा था बॉटम टू टॉप यहां पर हम आंसर लिखेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो आंसर आएगा जीरो जीरो वन दशमलव के आगे जीरो जीरो दिस इज ए बाइंड्री रिप्रेजेंटेशन कॉरस्पोंडिंग टू दिस डेसिमल नंबर क्लास इसको देखते हैं अगेन ये जो डेसिमल नंबर है यहाँ पर इंटीजर पार्ट भी है और फ्रैक्शन पार्ट भी है इसको हम नेरेटिक्स टू में कन्वर्ट करना है इंटीजर पार्ट को हम टू से डिवाइड करेंगे क्वेश्चन टोर्टीन या आप इसका हाफ कर दो ट्वेंटी नाइन का हाफ होता है फोर्टीन पॉइंट फाइव आपने फ्रैक्शन वाला पार्ट नहीं लिखना है इंटीजर लिखना है तो सिंपली 14 कोशेंट क्या आएगा 1 अगेन 14 को 2 से डिवाइड करो 2 7 14 7 इज कोशेंट रिमाइंडर इज 0 अगेन 7 को 2 से डिवाइड करो 2 3 6 3 इज ए कोशेंट रिमाइंडर इज 1 अगेन 3 को 2 से डिवाइड करो 2 1 2 कोशेंट इज 1 रिमाइंडर इज 1 अगेन इस 1 को 2 से डिवाइड करो डिडेंट डिवाइजर से छोटा है तो डायरेक्ट क्वेश्चन जीरो लिखो और रिमाइंडर यही लिखना है आंसर कैसे लिखेंगे अब ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको हम बाइंड्री में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे मैं यहां पर लिखूंगा पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई किससे करेंगे टू से आंसर आएगा वन पॉइंट टू ये जो वन है इसको यहां पर लिखेंगे ये जो पॉइंट टू है इसको यहां पर लिखेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा जीरो पॉइंट फोर जीरो यहां पर लिखेंगे हम कब तक इस तरह टू से मल्टीप्लाई करते रहेंगे जब तक यहां पर जीरो नहीं बन जाता जब तक डेसिमल के राइट हैंड साइड जीरो नहीं बन जाता और ये जरूरी नहीं है कि हमेशा बनेगा अगेन पॉइंट फोर को टू से मल्टीप्लाई करो ये बनेगा पॉइंट एट जीरो यहाँ पर लिखा ये जो पॉइंट एट है ये यहाँ पर अगेन टू से मल्टीप्लाई किया अगेन ये बनेगा वन पॉइंट सिक्स वन को यहाँ पर लिखा पॉइंट सिक्स यहाँ पर अगेन टू से मल्टीप्लाई किया वन पॉइंट टू वन यहाँ पर लिखा ये जो पॉइंट टू है यहाँ पर लेके आए फिर टू से मल्टीप्लाई किया ये बनेगा पॉइंट फोर जीरो पर लिखा पॉइंट फोर पर क्लास अब हम देखेंगे यहां पर दशमलव के राइट हैंड साइड कभी भी जीरो नहीं बनेगा और यहां पर देखो यहाँ पर था पॉइंट टू पॉइंट एट फिर आगे आगे आएगा ये रिपीट होने शुरू हो गया आगे फिर रिपीट हो रहा है और यहाँ पर देखो पहले मिला वन जीरो जीरो वन फिर आगे रिपीट हो रहा है वन जीरो आगे मैं सोल्व करता जीरो वन फिर आगे इसी तरह रिपीट होना था और यहाँ पर दशमलव के राइट हैंड साइड में कभी भी जीरो नहीं बनेगा पर ये फोर डिजिट्स रिपीट होना शुरू हो गई तो आंसर कैसे लिखेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये जो दशमलव है यहाँ पर लिखा फ्रैक्शनल पार्ट के लिए लिखेंगे वन जीरो जीरो वन और यहाँ पर ऊपर मैंने लगाया वार ये क्या बताएगा कि आगे रिपीट हो रहा है वन जीरो जीरो वन आगे फिर वन जीरो जीरो वन आगे फिर वन जीरो जीरो वन अगेन हमें डेसिमल नंबर दिया है इसको बाइंड्री में कन्वर्ट करना है दिस इज इंटीज़र पार्ट दिस इज ए फ्रैक्शन पार्ट इंटीज़र पार्ट को कैसे करेंगे वो ईजी है टेन को टू से डिवाइड करेंगे टू फाइव ज़ा टेन क्वेश्चन इज़ जीरो फाइव को टू से डिवाइड करेंगे टू टू जै फोर क्वेश्चन इज वन टू को फिर टू से डिवाइड करेंगे टू वन जा वन क्वेश्चन इज वन रिमाइंडर इज ज़ीरो अगेन इस वन को टू से डिवाइड करेंगे अब ये जो डिविडेंट है वो डिवाइजर से छोटा है तो डायरेक्ट क्वेश्चन जीरो लिखेंगे रिमाइंडर वन एक्चुअल में वन को टू से डिवाइड किया होगा क्वेश्चन तो लिखा आंसर कैसे लिखेंगे बॉटम टू टॉप वन जीरो वन जीरो अब क्लास फ्रैक्शनल पार्ट को सोल्व करेंगे यहां पर दशमलव ये दशमलव लगाया इसको कैसे सोल्व करेंगे पॉइंट नाइन यहां पर लिखेंगे इसको कन्वर्ट करना है रेटिक्स टू में टू से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर मिलेगा 1.8 वन यहां पर लिखा ये 0.8 आगे आंसर मिलेगा 1.6 वन यहां पर लिखा अब आगे ये प्रोसेस हम कब तक करते रहेंगे जब तक दशमलव के राइट हैंड साइड जीरो ना बन जाए और ये जरूरी नहीं है कि हमेशा जीरो बनेगा क्वेश्चन पे डिपेंड करता है फिर 0.6 लिया से 2 से मल्टीप्लाई किया 1.2 ये वन को यहां पर लिखा अगेन पॉइंट टू टू से मल्टीप्लाई किया पॉइंट फोर ये जीरो यहां पर लिखा अगेन पॉइंट फोर को टू से मल्टीप्लाई किया जीरो पॉइंट एट जीरो यहां पर लिखा ये पॉइंट एट यहां पर अगेन टू से मल्टीप्लाई किया वन पॉइंट सिक्स सिक्स यहां पर लिखेंगे सॉरी वन यहां पर लिखेंगे पॉइंट सिक्स यहां पर अगेन टू से मल्टीप्लाई किया वन पॉइंट टू वन यहां पर लिखा अगेन टू टू से मल्टीप्लाई किया जीरो पर लिखा अगेन पॉइंट फोर को टू से मल्टीप्लाई करेंगे अब क्लास यहां पर कभी भी दशमलव के राइट हैंड साइड में जीरो नहीं बनेगा अब आप यहां पर देखो पहले मिला वन 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 जीरो जीरो वन वन जीरो अब क्लास ये देखो ये जो पहले था यहाँ पॉइंट नाइन पॉइंट एट पॉइंट सिक्स पॉइंट टू पॉइंट फोर पॉइंट 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 एट सिक्स टू पॉइंट फोर इसके आगे रिपीट होना शुरू हो गया यहां तक कर था फिर आगे ये रिपीट होना शुरू हो गया मतलब पहले ये आंसर मिला वन मैंने लिखा वन आगे ये रिपीट होना शुरू हो गया वन वन जीरो जीरो अगेन वन वन जीरो आगे मैं सॉल्व करता तो भी जीरो आता अगेन आगे भी इसी तरह मिलना था वन वन जीरो जीरो तो आंसर कैसे होना था ऊपर से नीचे लिखते हैं तो ये वन मैंने यहां लिखा ये जो आगे रिपीट हो रहा है वन वन जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो आगे इसके ऊपर मैंने लगा दिया बार इसका क्या मतलब है आगे फिर रिपीट होगा वन वन, वन, वन सेम क्लास इस क्वेश्चन को आप दशमलव के आगे तीन पोजीशन तक भी कैलकुलेट कर सकते थे मतलब मैं यहां तक कैलकुलेट कर करता वन 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 और आगे मैंने देखा कि जीरो नहीं बन रहा है यहाँ पर दशमलव के राइट हैंड साइड जीरो नहीं मिला तो मैं ये भी लिख सकता था अप्रोक्सीमेट आंसर वन जीरो वन जीरो दशमलव वन 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 अप्रोक्सीमेट हम ये भी लिख सकते थे